श्वासों को कर केंद्रित, श्वासों पे धर ध्यान। शीशम श्वासों की माला में बसे तेरे भगवान। Oh.
कल्याण करता आया, आत्मा को परमात्मा से मिलाता आया है। द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से इस शब्द का उच्चारण किया गया। कलयुग में भी भाई बालाजी की श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में इस शब्द का वर्णन समुद्र साखी में आता है। जब भाई मर्दाना जी ने श्री गुरु नानक देव जी के आगे विनती की और लंका देखने की इच्छा जाहिर की, तो श्री गुरु नानक देव जी ने उनको आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें खोलने पर वो समुद्र के किनारे खड़े थे। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई वाला व भाई मर्दाना जी को फरमाया कि वाहे गुरु कहते हुए मेरे पीछे पीछे समुद्र पर चलते चलो। वो समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे धरती पर। रास्ते में भाई मर्दाना जी ने देखा कि श्री गुरु नानक देव जी ओम सोहं का जाप कर रहे हैं, तो उसने भी ओम सोहं का जाप किया तो समुद्र में गोते खाने लगा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसको देखकर फरमाया कि भाई मर्दाना, गुरु की करनी की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसकी कथनी पर चलना चाहिए। सो आप वही कहो जो हमने कहा है। भाई मर्दाना फिर से वाहे गुरु का जाप करने लगा तो वो फिर से पानी के ऊपर चलने लगा। इसी तरह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी सोहंग नाम की महिमा को उजागर किया। Oh.
सोहं है परमात्मा, सोहं ही तो है आत्मा, सोहं 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 परमात्मा, सोहं ही तो है आत्मा, सोहं 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 परमात्मा, सोहं ही तो है आत्मा, सोहं 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 Oh.
हम है परमात्मा, तो हम ही तो है आत्मा। मंत्र को है